देख सकते हैं ये अखिलेश यादव का पोस्ट मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। केशव मौर्य पर ये निशाना उनकी तरफ से साधा गया के सोशल मीडिया साइट एक्स पर। बड़ी खबर इस वक्त लगातार आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव का ये पोस्ट मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ, बिना नाम लिए केशव प्रसाद मौर्य पर ये निशाना साधा गया है। उनकी तरफ से जो बात कही गई थी उसी को लेकर अब ये बात कही गई है। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आलोक जी, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर, लिखा है कि 100 लाओ सरकार बनाओ। देखिए, अखिलेश यादव जी मानसिक रूप से लगता है बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में लगातार पार्टी उनकी हार रही है। 2 विधानसभा के चुनाव और 3 लोकसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। जनता ने उनको लगातार हराया इसलिए था कि वो अपराधियों को और आतंकवादियों को संरक्षण देते थे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से, जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को खोना नहीं चाहती है, और जनता ने इसीलिए हमेशा से इनको हराया है। और कोई भी पार्टी हो, अखिलेश यादव ने अपने पिता को अपनी कुर्सी, उनकी कुर्सी से धकेल करके हटाया था और कब्जा किया था। तो जिस व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं होती है वो इस तरह के ऑफर बांटता फिरता है। मुझे लगता है कि जनता उनको दोबारा भी मौका नहीं देगी, क्योंकि उनके राज में अपराधियों का बोलबाला था, मकानों पर कब्जे होते थे, लड़कियों के अपहरण होते थे, लव जिहाद की पराकाष्ठा होती थी और आतंकवादी घटनाएं आम हो गई थी, मंदिरों में बम फट रहे थे, अलग अलग शहरों में बम फट रहे थे, इसीलिए क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण वे कार्रवाई करते नहीं थे और इस तरह के असामाजिक तत्वों को खुली छूट थी। इसी वजह से श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार एक बार आने के बाद से लगातार 10 सालों के लिए तो गई है, और आगे जब चुनाव 2027 में आएगा जनता को वो समय याद रहेगा कि अखिलेश यादव के समय में गुंडों की सरकार होती थी, उनको दोबारा से इस तरह की कोई बात मिलने वाली नहीं है। इसलिए अखिलेश जी मानसिक रूप से कुछ परेशान है, जिसकी वजह से वो इस तरह के ऑफर बांट रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। आलोक अवस्थी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से अपनी बात रखी गई।